बैक में दर्द होता है, लिवर के पास दर्द हुआ करता था, पेट में दर्द हुआ करता था, दिन में 2 से 3 बार जाना पड़ता था टॉयलेट, गैस बहुत बनता था, बहुत ज्यादा बनता था, वाइटामिन डी की बॉडी में कमी थी। ये कहानी मेरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है जाउल जी की, जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं, सऊदी अरेबिया गए हुए हैं, पेट्रोल फिलर है वहां पे। मैं समझ सकता हूँ सर के ऊपर क्या बीत रहा होगा, वहां पे जॉब करनी है, जॉब के साथ साथ आईबीएस को हराना है, आईबीएस को ठीक कराना है, अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग था। जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो, जो लोग बोलते हैं कि सर हम ये नहीं कर पाएंगे, अरे आप लोगों को डूब मरना चाहिए, शर्म करनी चाहिए। सर को देखिए, सर घर छोड़ के सऊदी अरेबिया में बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं, और जहाँ जॉब करना आसान नहीं होता है, जॉब के साथ साथ सर ने अपना आईबीएस ठीक किया। जितनी तकलीफ हमें बताई, पेट में दर्द, गैस के बैक में दर्द, वाइटामिन डी कम हो रखा है, सिर घुमा हुआ रहता है, एंग्जाइटी है, परेशानियां हैं, उसके बावजूद सर ने हार नहीं मानी। और आप लोग बोलते हैं कि हमसे फॉलो नहीं होगा, आप सबको के लिए ये एक बड़ा मोटिवेशन स्टोरी होने वाली है आज। जाओ जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, अस्सलाम वालेकुम जी सर, वालेकुम सलाम सर। सलाम वालेकुम सर। जी। तो जाओ जी, जितनी आपकी पूरी जो स्टोरी है, रियल स्टोरी, आप कब से परेशान थे, क्या रिपोर्ट्स करवाई, क्या टेस्ट करवाए, कितने धक्के खाए, कितने गए डॉक्टरों के पास जिन्होंने आपके पेट के दर्द के लिए पेट की दवाई, बैक में दर्द के लिए बैक की दवाई, उनको यही समझ नहीं आ रहा था कि गैस की वजह से बैक में दर्द होती है, गैस की वजह से सिर में दर्द होती है, और गैस की वजह से आंखों में दर्द होती है, लेकिन कोई बात समझने को तैयार नहीं होता, और सब देते हैं गोलियां गैस की, ऊपर आंखों में दर्द की, सिर दर्द की, लेकिन गैस खत्म करने में कोई बात नहीं करता। तो प्लीज अपनी जो स्टोरी है, रियल स्टोरी है, वो शेयर कीजिए आप। सर, मैं 1 साल से परेशान था। जैसा पेट में दर्द होता था, बाद में सर में दर्द होता था, बैक साइड में दर्द होने लगता था। मैं डॉक्टर के पास 2 दिन 3 दिन में जाता था, कुछ आराम नहीं, वो दवा देता था गैस का, फिर जी लीवर का कसीदा दवाई देता था, चेक ब्लड टेस्ट, एनी टाइम ब्लड टेस्ट, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो बोलते वो, बाद में बहुत सारा टेस्ट करता था, कुछ नहीं आता था, नॉर्मल आता था पूरा। ऐसा ही गैस का दवा देता था, पेन किलर देता था, पेन का दवा खाता था, कुछ पेन नहीं, वो ये नहीं होता था। फिर वो ऐसा ही 1 दिन 2 दिन सही रहेगा, फिर ऐसा ही हो जाता था, लेटिंग आता था। स्टार्ट में एक 10 दिन 15 दिन पहले आपका ट्रीटमेंट नहीं किया था, उससे पहले तो दिन में 10 10 बार हमाम जाता था, लेटिंग जाता था, 10 बार 15 बार। जब स्टार्ट हुआ था 2 महीना पहले, 15 15 बार 20 20 बार जाना पड़ता था। और जी लेटिंग से आया, रूम में बैठा या ड्यूटी में गया, फिर से जाना पड़ता था, ऐसा हो गया था। या अभी 10 दिन पहले से आपका ट्रीटमेंट लिया हूँ, उससे भी 10 दिन पहले से भी ऐसा ही था, 10 दिन 10 बार 5 बार जाना पड़ता था लेटिंग। अभी 1 हफ्ता से, 10 दिन से मैं ट्रीटमेंट चालू किया, तो बहुत सारा, बहुत मतलब 50% मैं सही हो चुका हूँ। अरे वाह, एक 10 दिन से एक के बार अंदर ही। जाता हूँ जी सर, एक बार जाना पड़ता है अभी, नहीं तो 2 बार कभी हो जाता है। मुरलिंग में नहीं हुआ तो नेट में जाता हूँ, 10 दिन बहुत के अंदर बढ़िया। में सर जी। तो जाहुल जी, और जितनी आपने ये बातें शेयर की हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं अभी आपके पास, कागज जी कुछ सर, ये दिखाइए डॉक्यूमेंट जी, बहुत सर, सारा प्लीज पेपर है सर। कागज दिखाइए, क्योंकि जितनी जो लोग देख रहे हैं आपको, उनको प्रमाण मिलना चाहिए कि आप आईबीएस से ग्रस्त है। कही अरे अब आपके तो बाइसेप बन गए, आपके तो बाइसेप बन रखे हैं, बाइसेप बड़े हो गए आपके तो, राहुल जी बाइसेप बड़े हो गए। अरे जी सर, आप लोग का दुआ वाह है, यार, और क्या भी बन बात है, गया बाइसेप तो मैं देख रहा हूँ, बाइसेप वैसे बड़ा हो गया आपका, जी जबरदस्त, सर, भगवान आपको बहुत सब पतला बुरी नजरों हो से गया, बचाए। कल पूरा अंदर चला गया था, अभी सही थोड़ा आ रहा है जी जी, दिखाइए रिपोर्ट, दिखाइए सारी आपको। सर। ये इसमें तो यही पूरा है, लीवर उवर का जो टेस्ट करने के लिए बोला था सोमी सर, वो जी जी टेस्ट है। बाद में ये ब्लड टेस्ट, मैं 1 साल से टेस्ट करा रहा हूँ, पूरा रखा हूँ सर। ये ब्लड उलड टेस्ट क्या क्या टेस्ट करता है ये इधर का डॉक्टर वो नहीं मालूम, लेकिन ये पूरा पेपर सब ठीक है। है। ये चेस्ट टेस्ट किया था, उसका पेपर है हार्ट का, हार्ट का जी, ईसीजी। हार्ट का जी सर। बाद में ये भी ब्लड का टेस्ट है, खाली ब्लड टेस्ट करता था सर, एक
बहुत बहुत सारा ब्लड निकाल निकाल के कमजोर और भी कर दिया था। ये सब ब्लड टेस्ट पूरा है, ये सब पूरा ब्लड टेस्ट है। बाद में ये बड़ा डॉक्टर में, बड़ा हॉस्पिटल में रेफर किया था, उसका उधर भी नॉर्मल आया पूरा, कुछ नहीं आया। ये सब पूरा है टेस्ट है मेरा। अच्छा, वेरी गुड। ये सर लीवर टेस्ट के और किडनी टेस्ट जो बोले थे वो सब टेस्ट है इसमें, वो भी नॉर्मल था। अच्छा, के सब पास कुछ जी नॉर्मल था। ये ब्लड टेस्ट सब है, ज्यादातर ब्लड टेस्ट किया सर। अच्छा, अपने डॉक्टर बोला सीटी स्कैन कराने के लिए और एंडोस्कोपी, तो आपका वीडियो देखा आप लोग का, मैं सोचा यही से एक पाकिस्तानी का वीडियो देखा मैं जद्दा में, आप लोग जी 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 2 महीने 3 महीने किए थे, मैं सोचा ये सेम मेरा सिस्टम उसी के जैसा है, मैं बात करता हूँ नंबर लेके सर सर बहुत से, बढ़िया, तो स्क्रीन कॉपी और ये सीटी स्कैन और ये सब बोला टेस्ट करने के लिए, तो मैं नहीं बोल दिया, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पहले उधर बात करने दो। तो यूट्यूब में गया तो वो क्या नाम है मोहित सर का नंबर मिला, उस पर मैं कॉल किया और उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये सिस्टम सब IBS का होता है, तो मैं बोला ठीक है सर मेरे को सही होना है, तो बोला ठीक है सही हो जाओगे, तो मैं उनसे बात करने लगा सर। बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए जियाउल जी, कि आपने एंडोस्कोपी नहीं करवाया, कोलोस्कोपी नहीं करवाया, तो मतलब आपके मैंने पैसे बचा लिए, पैसे बच गए, जी राइट? सर तो जी सर उसके जी अलावा सर कितना पैसा खर्च किया होगा आप, ये जानना बहुत जरूरी है मेरे लिए भी और हमारे आवाम के लिए। मैं हर वीडियो में पूछता हूँ ये बात, कितना खर्च किया होगा? सर इंडिया को तो बहुत सारा हो गया, मैं 1 साल से पूरा घर पे भी पैसा नहीं दे रहा हूँ, पूरा इधर ही बर्बाद कर रहा हूँ, मुमकिन इंडिया का 2 लाख से ऊपर हो गया सर। 2 लाख से खर्च कर दिया। अच्छा, मुझे बताइए, जैसे आप वहां पे सऊदी अरब रहते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, तो जॉब तो बहुत टफ रहता होगा, तो जॉब के साथ पहले आपको तकलीफ थी, तो कैसा कैसा आप पे, आपके दिमाग पे, आपके आपके सोचने क्षमता जो थी, आप कैसे, आपको उसका कैसे उससे जूझ रहे थे आप, मतलब? सर मैं इससे पहले जब सही नहीं हुआ था सबसे ज़्यादा तो प्रॉब्लम था लेटिंग जाना पड़ता था, आया लेटिंग से दो दो तीन मरतबा 2-3 गाड़ी आया, उसको मैं पेट्रोल फिल किया, बाद में फिर से लेटिंग जाओ, बाद में इधर मैनेजर को बोलता यार तुमको क्या प्रॉब्लम है, इतना बार हॉस्पिटल जाता है फिर भी नहीं सही हो रहा है, मैं बोला मेरे को परेशानी है इसके लिए मेरे को जाना पड़ता है ना, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा बहुत परेशानी झेला, ऐसा दिल कर रहा था क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, मम्मी को फोन कर रहा हूँ, मम्मी बोल रहे आ जाओ, टेंशन में घर वाले भी टेंशन, लास्ट में मैं घर पे भी नहीं बताने लगा, मैं सोचा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, अब बाद में यूट्यूब देखने लगा, तो वही बोल रहे ना ज्यादा से आदमी फोन किया था आपसे बात कर रहा था पाकिस्तानी, तो मैं भी सोचा नंबर निकालो यूट्यूब ये आपके यूट्यूब से निकाल के बाद में बात करने लगा, तो सुष्मित सर बोला कि सही हो जाओगे टेंशन नहीं लो, तो कॉन्टेक्ट हो गया उनके साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो जैसे आपने बोला पेट्रोल पंप पे काम करते थे, 2 दिन गाड़ी का पेट्रोल भरा, फिर से वॉशरूम गया, तो जी फिर पेट्रोल भरा, फिर वॉशरूम गया, तो जी दिमाग सर में तो पूरा दिमाग का, जिसको बोलते हैं, दही हो जाया करता होगा, पूरा दिमाग खराब हो जाया जी करता सर होगा। ऊपर से जो जी सर बॉस आप यानी मेरे मैनेजर है, वो 4 बातें और बोलता होगा, गाली खाता होगा कि हो क्या रहा है, ये काम क्यों नहीं करते। जी सर मेरे साथ में एक लड़का है, वो भी बोलता था यार तुमको क्या हो गया काम नहीं करते हो सही से, ऐसा ऐसा बोलता था, मैं उसको बोलता था यार कभी करंट में सट के मर जाऊं, कभी मैं फंसरी लग जाऊं सुसाइड कर लो, या बिल्डिंग से कूद जाओ, सोने के लिए जाता था तो उसको बोलता था, वो बोलता था यार ऐसा नहीं करो इंडिया जाने के बाद सही हो जाएगा, इधर डॉक्टर अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है, मैं बोला डॉक्टर अच्छा नहीं है तो कम से कम टेस्ट में आना चाहिए ना, टेस्ट में भी कुछ भी नहीं आता है, फिर ठीक बात है। मेरे को ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, ऐसा ऐसा बोल के एक दिन तो मैं सुसाइड कर लेता, लेकिन एक साथ में मेरा लड़का है यूपी का, वो लड़का बचा लिया सर, अरे नहीं लास्ट जियाल में जी, मजबूर हो गया था पूरा सर। सुसाइड के ऊपर मैं ना इस वीडियो में बोलना चाहूंगा, जितने लोग ये देख रहे हैं वीडियो को, मैं IBS के अंदर डिप्रेशन हो जाता है, आदमी डिप्रेस हो जाता है जब कोई समाधान नहीं हो रहा होता, एंग्जाइटी रहती है, और डिप्रेशन के अंदर क्या बीतती है इंसान पे, मैं समझ सकता हूँ। मैं आपके जूते में पैर डाल के, जो कील चुभ रहा है हर दिन हमें, जो कील चुभ रहा है, वो समझ में आती है। और सुसाइड जो है,
किसी भी बात का समाधान नहीं है। आईबीएस का इलाज मुमकिन है, मैं हर वीडियो में कह रहा हूं। और अपने जिंदगी जो ये अनमोल जिंदगी है, कहते हैं ना वो हीरा जन्म अनमोल सा, कोड़ी बदले जाए, हीरे जैसा जन्म है ये, कोड़ी बदले जाए। तो जो आपको लाइफ दी गई है इसको हीरे की तरह रखो, तो कोड़ियों के मूल खराब मत करो की लाइफ। जी सर, मैं जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को, सुसाइड इज नॉट द ऑप्शन। जितने लोग के दिमाग में सुसाइड का ऑप्शन आता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डिप्रेस हैं, आप जरूर हमसे संपर्क करें, हम एक मौका दें आपको ठीक करने का। तो जिया जी, घर पे कौन कौन है आपके? घर में सर मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, सब है सर। मम्मी है, क्या करते हैं अभी घर वाले? मम्मी, पापा, भाई, बहन, क्या करते सब? मम्मी पापा बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, वो लोग काम नहीं करता है, वही नमाज पढ़ता है, खाना खाता है बस। अच्छा। सिस्टर लोग, भाभी लोग है, भाई लोग है मुंबई में। अच्छा, तो ठीक है, तो सोना सा मेहनत करते हैं और घर पैसा भेजते हैं। जी सर, कैसा कैसा चल रहा है अभी आपका? आप ठीक हो गए तो सऊदी अरब में जो आप काम करते हैं, काम में मन लग रहा है आपका? जी सर अभी टेंशन नहीं है, नहीं तो सर सही नहीं था तो हमेशा पेट पकड़ा रहता था, क्या हो गया क्या हो गया, हमेशा टेंशन में रहता था। लेकिन अभी सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ आप सर। इसको छोड़ना मत, जो जो चीज शुरू की है जी इसको छोड़ना नहीं है, इसको अंत तक लेके जाना है। और जो लाइफ स्टाइल ठीक कर लिया सर, आपने, जो अपना पूरा जो जीवन शैली है ठीक कर ली है, योगा से, प्राणायाम से, अच्छे खान पान से, इसको फॉलो करना, समझ लो आप। जी और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ, जीएसबी फिट के साथ, एकेडमी के साथ, हमारे गाँव से सुदेश जी हैं उनके साथ, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आदमी भी है। जब भी कॉल करता हूँ, जब भी रिटेन करके बोलता है ये करो वो करो, कभी भी रात में भी फोन करता हूँ रिसीव कर लेता है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है वो बताता है सर। बहुत बढ़िया, तो मतलब अच्छा अच्छा रिस्पांस मिला आपको, जब भी फोन किया फोन जी उठाया गया, सर, बात की गई आपसे। जी सर बहुत अच्छा आदमी है सर। जी सर सुदेश मैं जी, जनवरी में जी सर मैं जनवरी में ट्रीटमेंट ले लेता, लेकिन मेरे पास मेरा भाई है, वो बोला अरे पे यूट्यूब पे फेक फाक चलता है, नहीं कुछ लो, नहीं तो सर मैं जनवरी में सही हो गया रहा था। मैं फिर भी मैं बोला नहीं, ये अच्छा आदमी लोग है, मेरे को ट्रीटमेंट लाजिम लेना है, नहीं तो मैं मर जाएगा, नहीं नहीं सर, नहीं बिल्कुल तो मैं आपने, सर सही हो गया रहा था, जनवरी में मैं ट्रीटमेंट चालू कर दिया। कोई बात, देर आए दुरुस्त है, देर जी आए सर, दुरुस्त है जी। आज अब मेरा बस भाई भी बोलता है यार, जी सर आज मेरा भाई भी बोलता है कि यार तुमको जनवरी में कर लेना चाहिए, इतना हेल्थ भी खराब नहीं होता, सर सब बोल रहे हैं कोई बात, अच्छे देखिए आदमी ये लोग। जो ना ये हाथ देख रहे हैं आप, हाथ, ये हाथ की लकीरें हैं, ये लकीरें होती हैं। इसमें आपने और हमने मिलना लिखा था सितंबर के महीने में, इस महीने ही मिलने लिखा था हमारा, और वो भी सुदेश जी की थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, सुदेश जी के थ्रू, तो वो मिल गए हम। तो इसकी जो लकीर, ये लकीरें होती हैं, ये लकीरें हैं, ये ऊपर वाले ने बना के भेज रखी होती है, और हमारा मिलना लिखा हुआ, मिल गए हम। नहीं, पीछे जी पीछे सर, धूप, राइट पीछे सर, धूप, बहुत धूप बहुत हो रहा है आपके यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ पीछे बहुत जी धूप सर है। पीछे, जी सर धूप है अभी। बहुत बढ़िया, तो जाते आते जियाउल जी, जो आपने अगर कोई बोलना हो ऑडियंस को, मोटिवेट करना हो, कोई अपनी पंच लाइन छोड़नी हो आपने, ताकि लोग जो सुने आपको थोड़ा मोटिवेशन आए उनके अंदर, और वो जो ना एक स्टेटमेंट है कि आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, ये कॉमन स्टेटमेंट है कि आईबीएस ठीक नहीं हो सकता, उन्होंने दिमाग में बिठा लिया है इस चीज को। क्यों बिठा लिया है? क्योंकि डॉक्टरों ने बोल दिया, डॉक्टर ने क्या बोला है, आईबीएस को ठीक नहीं कर सकते, आईबीएस जिंदगी भर आपको तड़पाता रहेगा, आप तड़पते रहेंगे, आपको मारता रहेगा, आप मरते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कंफर्मेशन बायस, कंफर्मेशन बायस, कि दिमाग ने मान लिया कि ये चीज ठीक नहीं हो सकती, तो वो कभी ठीक नहीं हो सकती। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर यही बोलेगा सर, जिसको मतलब आईबीएस है या गैस्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम है, एक ही बार सुष्मित सर से आप कांटेक्ट करो, आप सही होंगे 100%। 10 दिन 15 दिन के अंदर में आप अपने अंदर फील करोगे कि मैं सही हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप इधर उधर नहीं जाओ, पैसा नहीं वेस्ट करो, एक ही बात बोल रहा हूँ आप लोग से सर, आप धन्यवाद, सीधा कांटेक्ट करो, बाद में सही हो जाओ, सही होगा। दुनिया में कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो सही नहीं होगा, हर एक चीज का सोल्यूशन है सर।
जी बिल्कुल सही सही सर है। होगा जरूर। जितने लोग ये देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से लोगों का आईपीएस ठीक कर रहे हैं। और अगर हमसे कोई मिलना चाहता है तो छतरपुर में आप आइए, हमारा ऑफिस है, आप आइए हमसे मिलिए। जो लोग दूर बैठे हुए हैं सर, दूर बैठे हैं, सऊदी अरब में बैठे हैं, जो बाहर पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान के बहुत लोग हैं, ओमान से, कतर से, जिद्दा से, रियाद से, बहुत लोग हैं, तो वो जो आ सकते हैं उनके लिए ऑनलाइन है, जो आ सकते हैं उनके लिए दिल्ली में, छतरपुर में हमारा ऑफिस है, आप आइए मिलिए, हमें एक मौका दीजिए आपका आईपीएस ठीक करने का। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि मेरे ट्रीटमेंट से, हमारे ट्रीटमेंट से, जीएसी पैथी जो ट्रीटमेंट है, ये इसको बोलते हैं ना एलोपैथी से ना होम्योपैथी से, आईबीएस को हराएंगे जीएसी पैथी से। तो जब ये जीएसी पैथी काम करती है, जब लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है, तो मैं ये दुआएं मांगता हूँ, दुआएं कि ये दुआएं हैं जो लग रही हैं और जो हम आगे बढ़ पा रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ तरक्की हो रही है। सर मैं आयुर्वेदिक वाला भी दवा ऑनलाइन से मंगाया सर इंडिया से, लेकिन वो भी नहीं काम किया। सर नहीं बहुत करेगा पैसा सर, खर्च किया आयुर्वेदिक से। जी सर मैं अमेजोन से भी ऑनलाइन करके मंगाया सामान, वो इंडिया से दवा दिया आयुर्वेदिक वाला, उसमें खाया फिर भी कुछ नहीं आराम हो रहा है। लास्ट में परेशान हो गया सर, बहुत परेशान हो गया। बहुत परेशान, कोई बात नहीं। चलिए मैंने कहा ना, ये जो नसीब है हमारे, जो लकीरें हैं यहाँ की, यहाँ की, यहाँ पे जिसके जिसके नसीब में मुझसे मिलना लिखा रहेगा, वो मुझसे मिलने आएगा। अब वो चाहे जनवरी के बाद सितंबर में आए के दिसंबर में आए के कभी भी आए, लेकिन अगर उसने उसने अगर मेरे हाथों ठीक होना लिखा हुआ है तो वो ठीक होगा। तो जी सर जब आप हिंदुस्तान आए, मेरे लिए एक तो वहां से आते हुए खजूर लेके आइएगा, खजूर जी सर बहुत बड़े अच्छा वाले, खजूर सर। मैं सुष्मित सर को बोला मैं आएगा तो दिल्ली सुदेश आएगा सुदेश मेरा सुदेश भाई सर, लोग। जी सर मैं आएगा तो मेरा भाई लोग उधर 2 दिन रुक के, 3 दिन रुक के, 1 हफ्ता रुक के मैं आपसे मिलेंगे सर। आप आइए आपको बिल्कुल, गिफ्ट वगैरह भी करेंगे मेरे को सही करने के लिए सर। बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल आइए, मैं खुद मिलना चाहता हूँ। मैंने इसलिए ही ऑफलाइन शुरू कर दिया है मिलना लोगों से, बीच में हम पहले ऑफलाइन लोगों से मिलते नहीं थे, अब हमने खुद ने सबके लिए ऑफलाइन खोल दिया है, आप आइए मिलिए। जो लोग ठीक हो रहे हैं, जो लोग ठीक नहीं भी हो रहे हैं, या जो लोग ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, कुछ भी है, आप आइए हमसे मिलिए और मुझे आपकी हेल्प करने दीजिए। जब आप हिंदुस्तान में आए, वापस आए, दिल्ली आए, दिल्ली रुके, आप मुझसे मिलके जाइएगा, जी सर मैं दिल्ली। साथ में लंच जी सर करेंगे, जी सर ठीक ओके। है? अगले महीने आ रहा हूँ सर, ना बाकी अक्टूबर में आ रहा हूँ सर आ रहे मिलने अगले के लिए महीने, साथ। वेरी जी सर गुड, तो अगले महीने आ रहा, हमसे मुझसे मिलके जाइएगा, जी सर ओके सर पक्की बात है, देख लीजिए। ओके सर मैं मिलेंगे। मैं सुष्मित सर के लिए मैं गिफ्ट भी ले रहा हूँ सर। क्या बात है, अगले हफ्ते अगले महीने मिल रहे हैं, अगर आप नहीं मिलेंगे मैं उनको बोलूंगा सर, सर का ट्रीटमेंट बंद नहीं करवा सर नहीं इंशाल्लाह मिलेंगे सर। दो। तो ध्यान रखिए अपना, ऐसे ऐसे जी करते रहिए, और लाइफ स्टाइल को जो फॉलो करना शुरू कर दिया, इसको खत्म मत करना, चेंज मत करना, काम पे ध्यान लगा हुआ, ठीक है? जी सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर।